लाख 132 लीटर डीजल हमारी गाड़ी खा चुकी है और सफर किया सारा टोटल 436 किलोमीटर। हम स्पेशल वहाँ पे रुकेंगे जहाँ पे रेस्ट एरिया बना है और पंजाबी ढाबे हैं, वहाँ पे रुकेंगे, वहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे, फिर उसके बाद हम आगे का सफर हो या कंटिन्यू करेंगे। भाई एक्सप्रेस बना के भी देख लो, रॉन्ग साइड आ रही है गाड़ियाँ, देख सकते हो आप। ये तो एक किस्म का पूरा फॉरन वाला सिस्टम हो गया भाई, देख लो। सत श्री अकाल, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफटीसी व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग जो हम लोग भाई स्टार्ट कर रहे हैं डाबाली से, रात को हम पहुंचे थे यहाँ पे कोई 12 बजे और यहाँ पे आके हम सो गए थे और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। उठे हैं, गाड़ी को चेक किया, स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद अभी जाएंगे पंप पे, सामने पंप पे, वहाँ से डीजल डलवाएंगे ताकि हमें पूरा मालूम पड़ जाए कि कितना गाड़ी ने जम्मू से लेके यहाँ तक का डीजल खा लिया है। तो चले निकलते हैं, ऑल स्टार्ट हमने गाड़ी कर ली है और अभी निकलते हैं यहाँ से, निकल के फिर डीजल वगैरह डलवाते हैं, फिर आगे का सफ़र जो है वो कंटिन्यू करते हैं, साथ में पंप पे जाके फ्रेश वगैरह होते हैं भाई। पे पहुंचे गए भाई हम लोग और करवा रहे हैं यहाँ पे अपनी टंकी फुल ताकि हमें मालूम पड़ जाए भाई जम्मू से लेके यहाँ तक कितना डीजल। हर बार हम यहीं पे करवाते हैं आके भाई। धुंध पड़ी हुई है, हवा भी हल्की हल्की सी चल रही है भाई, ठंड है। फ्रेश वगैरह भाई हम लोग हो चुके हैं, बस अभी निकलेंगे यहाँ से, आगे कहीं रुक के काउंटर वगैरह खाएँगे। बड़ी पड़ी हुई है भाई और अभी हम लोगों ने डीजल वगैरह डलवा के यहाँ से अपना सफ़र जो वो कंटिन्यू कर ले, जम्मू से चल के यहाँ तक का 132 लीटर डीजल हमारी गाड़ी खा चुकी है और सफ़र किया सारा टोटल 436 किलोमीटर। अब आप लोग एवरेज निकाल लो कितनी एवरेज आई और साथ में मुझे भी बता देना कमेंट बॉक्स में। बहुत लो विजिबिलिटी है, देख सकते हो आप, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, फिर भी हमने तो अपना सफ़र जो है कंटिन्यू करना ही है क्योंकि सुबह के 8 बज चुके हैं और सुबह के 8:30 हो चुके हैं भाई और धुंध में ये गाय वगैरह से बचना है, आगे जानवर जो भी आ जाते हैं क्योंकि बहुत देख सुन के चलना पड़ता है भाई, देख जो आप इतनी दूर गाड़ी दिख रही है। बस राजस्थान एंटर हो चुके हैं भाई हम लोग, संगरिया वाला टोल जो पार कर लिया,
बाद आगे का सफर तय करेंगे, क्योंकि भाई हल्की हल्की सी जो है वो भूख महसूस होने लगी है। तो चलें पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और हमारे मोर्चे में ना सवेरे दिन ना रही थी सौ बीमारी, तो दूर की जन आ गया भाई वो ढाबा जहाँ पे हम लोग खाएँ, हम लोग नहीं हम मैं करूँगा ब्रेकफास्ट। अपना हो चुका है भाई यहाँ पे खाना पीना, अब निकले लगे यहाँ से, तो चले करते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू। निकला है भाई हम ढाबे से, अभी सफ़र जो अपना कंटिन्यू रखेंगे आगे से। हमने गाड़ी में यूरिया भी डलवाना है गैरेज में जाके, चले डलवाते हैं यूरिया वगैरह फिर निकलते हैं। निकला है भाई हम लोग बसवाना मोटर, यहाँ से हम डलवाएंगे भाई अब यूरिया। सामने खड़ी है 1500। भाई गैरेज में यहाँ पे यूरिया तो हमें मिला नहीं है, गाड़ी की ब्रेक करवानी थी वो करवा रहे हैं, ब्रेक बड़ी कम लग रही थी गाड़ी में। तो भाई फाइनली जेतपुर पार कर लिया और यहाँ से हम अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस पकड़ेंगे और सीधा चलते रहेंगे पलोत्रा तक नॉनस्टॉप। एक्सप्रेस वे पे तो आपको बताइए सफ़र गाड़ी निकालती है। और यहाँ से अब इंटर होने वाले हैं भाई, हम पल्लू से अंदर हुए थे जेतपुर वाले रोड पर, अब यहाँ से इंटर हो चुके हैं जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस पे। और मौसम भी जो है वो चेंज हो चुका है, इसलिए हमने अपना यूनिफॉर्म थी वो चेंज कर लिया, सर्दी वाली उतार ली है। क्या कैसे कपड़ा वगैरह उतारेंगे गाड़ी को भी, क्योंकि गर्मी लगेगी अभी। तो भाई गाड़ी का भी कपड़ा वगैरह हमने खोल दिया है क्योंकि इसको भी गर्मी लग रही थी। तो अब बस निकलते हैं, करते हैं दोबारा अपना सफ़र जो कंटिन्यू, और कपड़ा संभाल के रख लेते हैं क्योंकि दोबारा सर्दी में भी आना है। ये वाला जगह यहाँ से हमने इंटर किया लिया भाई अपना सफ़र कंटिन्यू दोबारा एक बार फिर से। अकेले हैं भाई हम लोग और कोई गाड़ी अपने साथ नहीं है। अपनी गाड़ी में जैसे कि आप लोगों को मालूम था यूरिया कम था, तो अभी बाल्टी एक हमने ली हुई थी गैरेज से और कर रहे हैं डाल रहे हैं बाल्टी एक डालेंगे, फिर आगे कहीं मिलेगा गैरेज तो दोबारा ले लेंगे। ये भाई एक्सप्रेस रोड बहुत ही बढ़िया रोड बना हुआ है, ट्रैफिक भी कम है इस रोड पे, मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। तो डाल लिया भाई अपनी गाड़ी में यूरिया वगैरह, अब निकलने लगे हैं यहाँ से और करते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू। भाई करते हैं सफ़र कंटिन्यू और निकलते हैं धीरे धीरे। एक्सप्रेस बना के भी देख लो रॉन्ग साइड आ रही है गाड़ियाँ, देख सकते हो आप। कोई मतलब इनको एंट्री कैसे मिली रॉन्ग साइड में, ये भी बात एक सोचने वाली है। गाड़ियाँ रॉन्ग साइड आ रही है, एंट्री किसने ली, कोई मतलब कोई पूछ तूछ नहीं, सब बेकार। हम स्पेशल वहाँ पे रुकेंगे जहाँ पे रेस्ट एरिया बना है और पंजाबी ढाबे हैं, वहाँ पे रुकेंगे, वहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे, फिर उसके बाद अपना आगे का सफ़र हो या कंटिन्यू करेंगे भाई। हो सकता है कि कहीं लास्ट रेस्ट एरिया पे हम रात को रेस्ट करें, ठीक है ना। चले देखते हैं कहाँ हमें रेस्ट एरिया मिलता है अच्छा सा और वहाँ पे रुकते हैं। व्यू चेक करो गाइस,
अभी हम दिखाएंगे भाई आपको टाटा की सबसे पहली गाड़ी डी मॉडल। गाड़ी की पावर देख लो भाई, चेक करो गाड़ी की लुक देखो, एकदम ज़बरदस्त। और माल भी देख लो गाड़ी में कितना ओवरलोड है, फिर भी गाड़ी देख लो कैसे एक्सप्रेस पे दौड़ती हुई आ रही है। टाटा टाटा इज़ बेस्ट बोलते हैं ना, गड्डी टाटा की जुत्ती बाटा की। वाह यार क्या बात है, जिस बंदे ने इसको ऐसा संभाल के रखा हुआ है, सलूट है भाई, सलूट है इस बंदे को। यहाँ पे रुकेंगे, साथ में चाय का एक एक कप पी लेंगे और साथ में अपनी गाड़ी के शीशे वगैरह जो है वो साफ कर लेंगे भाई, क्योंकि आगे शीशे बहुत गंदे हो चुके हैं और दिखाई कुछ नहीं दे रहा भाई। चले करते हैं यहाँ पे अपने गाड़ी के शीशे वगैरह साफ, फिर आगे का सफर वो जो कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। अपना हो गया भाई टायर पंचर, तो अभी टायर चेंज करना पड़ेगा भाई। टायर तो भाई हमने चेंज कर लिया, बस अब स्टपनी टांगने वाली रह गई है, हमें भाई लिफ्ट वाला टायर जो वो काम आ गया भाई। तो चले अब अगले चक्कर जाएंगे, घर पे स्टपनी रखना पड़ेगी गाड़ी के साथ। तो अभी स्टपनी टांग लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कहीं टायर वाले दुकान वहाँ पे टायर बना लेते हैं। टायर वगैरह चेंज कर लिया भाई, बस अब चाय पी रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाए इसलिए, तो फिर निकलते हैं, करते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू। अकेला बंदा हूँ भाई, टायर भी खुद पूरा का पूरा चेंज करना पड़ा है, पूरा ही करना पड़ेगा, आधा सौ भी करना पड़ेगा। एक रेस्ट एरिया आया भाई और यहाँ पे अभी हम स्टॉप करेंगे, अगर खाना पीना होगा वो भी खा लेंगे, टायर वाला होगा तो टायर भी पंचर लगवा लेंगे, इसलिए हमने गाड़ी यहाँ पे रोकी है। फर्स्ट टाइम इस रेस्ट एरिया पे गाड़ी उतारी है हमने, देखते हैं क्या क्या हमें यहाँ पे सुविधा मिलती है रेस्ट एरिया में। ये तो एक किस्म का पूरा फॉरन वाला सिस्टम हो गया भाई, देख लो बहुत जल्द इंडिया में अब ऐसा ही सिस्टम मिलने वाला है भाई। अब देखते हैं कि टायर वाला है, कोई है तो है, पे भाई फुल सुविधा है टायर वाले की, टायर शायर ये वो सब कुछ है भाई। तो भाई रात की 10 बजने वाली है शायद, पक्का नहीं बोलता, हाँ भाई 10 बजने वाली है। यहाँ पे रुका था, टायर वगैरह पंचर लगाया, फिट किया, अब इसके बाद दोबारा जो अपना सफ़र है वो मैं कंटिन्यू करने लगा हूँ, क्योंकि आगे का सिस्टम ऐसा है कि मुझे एक दो एरिया वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे चलान वगैरह जो है वो बहुत हो रहे हैं, मैंने सुनने में आया है। अपना एक शुभ चिंतिक उस्ताद जी थे, उन्होंने हमें कॉल करके बोला है कि वो वाला एरिया आप रात रात में निकाल दो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको चलान का सामना करना पड़ता। तो चलो देख के कहाँ तक अपना जो सफ़र है वो निकलता है। ये देखिए भाई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे आगे रुकी हुई थी, खाना खाया अब चल पड़े। चले करते हैं इसी के साथ हम अपना भी सफ़र कंटिन्यू, बने रहे हमारे साथ। यहाँ गुजरात वाली साइड से आई थी और यहाँ पे इन्होंने खाना वगैरह खाया और अभी ये जा रही है जम्मू वाली साइड, हमको जाना है बिल्कुल सीधा। हम लोग पहुंच चुके हैं एक पार्किंग में, होटल बरार ढाबा है, वहां पे पहुंच चुके हैं और यहां पे लगा दी हम लोगों ने गाड़ी। पीछे ऐसे ही ढाबे पे हम लोगों ने खाया था खाना। हम लोग हैं भाई जोधपुर ग्लेशियर उसके पास और यहां पे लगे हैं हम लोग सोने और साथ में करेंगे आज वाले ब्लॉग का यहीं पे एडिटिंग और फिर देखते हैं अपलोड
लगा देंगे रात को, अगर हो जाएगा नेटवर्क होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चले सोते हैं और करते हैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड, मिलते हैं कल आपको एक न्यू फ्रेश व्लॉग के साथ। तो भाई कोशिश कर रहा हूँ डेली व्लॉगिंग करने की, बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि भाई डेली व्लॉगिंग किया करो, तो कोशिश कर रहा हूँ डेली व्लॉगिंग की अगर हो पाई तो। तो चले सोते हैं अभी, मिलते हैं आपको एक न्यू फ्रेश व्लॉग के साथ। गुड नाइट।